जाएंगे। हाँ। देखा, मैंने कहा था ना बालवीर हमें मदद करने के लिए आया था, अब वो चाचू की भी मदद करेगा। ये देखो हम लोग पास है, कितना अच्छा लगा ना। आप ठीक है ना? मम्मी मैंने कहा था ना बालवीर जरूर आएगा चाचू की मदद करने, अभी उनको कुछ नहीं हुआ। हाँ हमें बालवीर को थैंक्स बोलना चाहिए। बालवीर कहाँ गया? बालवीर मैं सीढ़ी लेकर आ गया, आप तो उतर गए। तुम सीढ़ी तो लाए लेकिन इतनी छोटी। और पता है बालवीर आया था चाचू को बचाने, तुम किसी काम के नहीं। मेहर बेटा ऐसा नहीं कहते, बलू ने कोशिश तो की ना। चलो बेटा अंदर चलो। हाँ, चलो चलो आराम चलो बेटा। माँ मैं सीढ़ी रख कर आता हूँ। ठीक है। क्या क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ पापा आपको भी वहाँ आना चाहिए था। हा? वो तो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया। अच्छा हाँ, इसका मतलब है आप सबने बालवीर को देखा। हाँ। तो हम कैसे ही कह रहे हैं। मोटा भाई देखो ना मैं एकदम ठीक हूँ, आप पता है बिल्ली भी एकदम ठीक है, वो तो अभी मस्त खर्राटे मार के सो रही है ऐसे। अब बलू तुमने भी देखा था ना बालवीर को? हाँ। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं था कि बालवीर जैसा कोई है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे बॉस के बेटे को उसी ने बचाया। हमें तो उसका धन्यवाद कहना चाहिए। हा? अरे धन्यवाद तो हमें भगवान को कहना चाहिए कि उन्होंने उसे भेजा, उन्हें कैसे भूल गई तुम? अरे कोई भगवान को कैसे भूल सकता है। चलो चलो भगवान का भी हम शुक्रिया अदा कर लेते हैं। चलो चलो, चलो, चलो आ जाओ बेटा। अम्बे मात की जय। क्यों इधर उधर है परेशानी अभी भी क्या? नहीं तौबा तौबा, आज मैं बहुत खुश हूं। बस यूं समझ लो कि मेरा बस चलता तो मैं अभी इसी वक्त उसके पास पहुंच जाती। तो फिर है देर किस बात की? मैं बालवीर के बहुत ही करीब पहुंचना चाहती हूं। हाँ? इतना करीब जहां वो खुद मौजूद हो, और ये तभी हो सकता है जब बालवीर इस तीसरे बच्चे को मेरे वश से निकालेगा। इधर वो उसे मेरे वश से निकालेगा, उधर मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ है, और फिर बालवीर और परीलोक दोनों मेरे वश में होंगे। अब परीलोक पर तुम्हारा राज खत्म होने का वक्त आ गया है रानी परी। बेटा मेरी मदद करेगा? नहीं मुझे तो बच्चों की मदद करने जाना है ना। अपने आप को बालवीर समझता है। अच्छा है अच्छा है, हर बच्चे को अपने आप को बालवीर ही समझना चाहिए। लेकिन तू एक काम कर, मेरे लिए ना पीने का पानी लेके आ। ये बल्लू कहाँ हवा में गायब हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं अटक गया, ये बल्लू बार बार गायब हो जाता है और मैं बार बार अटक जाता हूँ। अटकाती परी शक्ति दे।
अटक गया हूँ, मुझे सीधा करो। अरे यहाँ से नहीं, कमर से अटक गया हूँ। ये क्या कर दिया? अरे 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 क्या? एक मिनट, तुम लोग से नहीं होगा, तुम लोग रहने दो। ठीक है। अरे यहाँ आओ, तुम लोग रहने दो, लेकिन किसी बड़े को तो बुलाओ। घर पे कोई नहीं है, माँ तो दादी और चाचू के साथ मंदिर गई है, और पापा जल्दी ऑफिस चले गए, किसे बुलाऊं? एक काम करो, तुम्हारे दोस्त बालवीर को बुलाओ। इतनी छोटी सी बात के लिए? अरे ये छोटी सी बात है। बालवीर, 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 तुम, हमने तो बालवीर को बुलाया था। एक ही बात है ना, मतलब बुलाया तो दादाजी की मदद के लिए ही है ना। तुम सीधा करोगे दादाजी को? क्या दादाजी अटक गए हैं? हाँ बेटा, अगर तुम सीधा कर सकते हो तो जल्दी सीधा करो ना। मनु मैं जल्दी से दादाजी को बुला लिया। दादाजी जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, आ रहा हूँ। आराम से, मतलब जल्दी से अपने हाथ जमीन पे रख दो। हाथ जमीन पे रख दो? बेटा तू मुझे और झुका रहा है या सीधा कर रहा है? मैं सीधा ही कर रहा हूँ, अब जब रखी तो सही। रखता हूँ रखता हूँ। अभी गिरना मत। अब आ ना, उठो, घूम जा, घूम जा, मतलब उल्टा घूम जा। सीधा हो गया हमें। लेकिन तू कहाँ गायब हो गया था? मैं तो आपके कहने पर पानी लेने गया था, वो देखो। अरे मैंने तेरे पास पीने के लिए पानी मंगाया था, तू नहाने की बाल्टी भर के लेके आया। हाँ, वो माँ कहती है ना कि हमें बड़े काम करने चाहिए। ये भगवान। दादाजी रहने दीजिए, ये तो बुद्धू है ना, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए तो इसे मैं आज तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल से मिलवाने लेके आ रहा हूँ, उन्हें परेशान करने के लिए। अरे नहीं, इसलिए कि इसे भी तुम्हारे स्कूल में एडमिशन दे दे। बल्लू स्कूल जाएगा? बल्लू, बल्लू स्कूल जाएगा? पर इसे तो कुछ आता भी नहीं है, इसे एडमिशन कैसे देंगे? अरे तुम्हारा जो प्रिंसिपल है ना, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इसे जरूर एडमिशन दे देगा। चलो चलो चलो, मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर हम लोग इनके साथ स्कूल जाएंगे। चल मानव, हमारे बैग ले लेते हैं। हेलो, क्या कभी स्कूल गए हो तुम? नहीं, मैंने कहा ना मैं अनपढ़ हूँ। हाँ तो बेटा आज देख लेना। हाँ। मानव है। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रेन। हेलो मंटू। देख मंटू, आज परेशान किया ना, तो देख लेना। मानो तुम्हारे जूते की लेस खुली हुई है ना, तो मैंने सोचा कि बांध दूं, वरना तुम गिर जाओगे ना तो तुम्हें लगेगा और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए तुम दोनों को मैंने रोका था। नहीं नहीं, मैं बांधूंगा। नहीं मैं मानता हूँ ना। नहीं नहीं, मैं बांधूंगा। पक्का ना? हाँ हाँ। मैंने तुम दोनों को जितना भी परेशान किया ना, मैं उसके लिए तुम्हें वापिस सॉरी बोलना चाहता हूँ। सॉरी सॉरी मानो मैं। अच्छा तुम दोनों हमारे गैंग के लीडर हो, तुम दोनों जैसा बोलोगे ना वैसा मैं करूँगा। नहीं नहीं, हम लोग को कोई लीडर नहीं बनना। लेकिन मैं, हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना, अब मैं सुधर गया हूँ। तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगा, सॉरी सॉरी, प्रॉमिस भी। ओके। मानव मेहर कहाँ गए? मानव मेहर, चलो बेटा लेट हो रहा है। चलो 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 चलो। क्या मंटू, तूने इन्हें
अपना दोस्त बना लिया? मतलब तूने इनसे हार मान ली? मोंटू कभी हार नहीं मानता। ये पिद्दी, ये हराएंगे मुझे। इन चूहों से तो दोस्ती मैंने इसलिए की है ताकि एक दिन मैं शैतान बिल्ली के तरह इनपे झपट्टा मार सकूं और इन्हें खा सकूं। बड़े खुश हो रहे होंगे ना? पर तुम दोनों देखना कि एक दिन ऐसा हाल करूंगा कि याद रखेंगे। अगर इनके पास वो बालवीर है ना, तो मेरे पास भी दिमाग है। आओ बच्चों। आइए आइए डगली सर, आइए। क्या बात है, बहुत साल के बाद। बैठिए बैठिए सर, प्लीज हैव अ सीट सर। कहिए मैं आपकी क्या। अरे बल्लू वहाँ नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ के बैठ जाओ। प्लीज बेटा वहाँ जाके बैठिए। क्या बात है सर, आज बहुत दिन के बाद कहिए कैसे याद किया मुझे। लेकिन आपको बता दूं बेटा, आपके दादाजी कई साल पहले बिना फीस कॉलोनी के बच्चों को पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, और मैंने भी तो उनसे फ्री ट्यूशन ली है ना। किंतु पढ़ने में सबसे ज्यादा होशियार था दादाजी। ये तो अपने बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आप बीच में चिंटू कहाँ से ला दिए? इसी का नाम तो चिंटू है। अब दगली सर आप भी एनीवेज बोलिए, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? हाँ चिंटू, देखो ये मेरा पोता बल्लू है, इसको तुम्हारी स्कूल में एडमिशन देना है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। बेटा कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है? वो प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल जी, मेरे दादाजी मुझे अपना पोता कह रहे हैं, पर मैं एक गरीब और अनाथ बच्चा हूँ। मैं कभी पाठशाला नहीं गया, इसलिए मुझे पता नहीं कौन सी कक्षा में दाखिला लेना चाहिए। सर इसको तो कुछ भी नहीं आता, ये तो एकदम अनपढ़ लड़का है। ये अनपढ़ नहीं है, ये कम पढ़े। जब तू मेरे पास पढ़ने आया ना, तभी तू भी ऐसा ही था चिंटू। सर सर प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं बड़ी क्लास में एडमिशन नहीं दे सकता। चिंटू मतलब तू इसे अपनी स्कूल में एडमिशन नहीं देगा? लेकिन सर तू नहीं देगा ना तो कहीं और जाऊंगा, लेकिन उसके बाद एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगा। चलो बच्चे लोग, चलो सर, 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 प्लीज प्लीज रुक जाइए सर। ठीक है एक काम करता हूँ, मैं जल्द से जल्द इसके लिए एक टेस्ट अरेंज करता हूँ। अगर ये टेस्ट में पास हो गया तो मैं इसको फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में एडमिशन दे दूंगा, और अगर ये पास नहीं हुआ तो इसको नर्सरी में एडमिशन देने के लिए मुझे मुझे ट्रस्टी से बात करनी पड़ेगी। सर मैं नर्सरी में नहीं जाऊंगा। हाँ मैं पूरी रात जाके पढ़ाई करूंगा और परीक्षा में पास होके दिखाऊंगा। मेहर बेटा एक काम करना, तुम ही अपने ये बल्लू को सब कुछ पढ़ा देना। ओके बेटा? जी। सो नाइस ऑफ यू। राने परे राने परे, भयंकर परी तुम्हारे यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत तुमने देखी कहां है रानी परी? जिस दिन देखोगी उस दिन खुद ब खुद परी लोग छोड़कर चली जाओगी, और फिर तुम में से कौन रोक सकता है मुझे यहां आने से? देखो मुझे, सर झुकाओ अपना, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे परीलोक की रानी बनने वाली हूं। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा भयंकर परी। बस थोड़ा सा इंतजार और, उसके बाद मेरा ये सपना तुम्हारी आंखों के सामने पूरा होगा, और तुम खुद अपना ताज मेरे सर पे रखोगी। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे तुम पर हंसी नहीं बल्कि दया आ रही है। हां भयंकर परी, रानी परी और हम सब मिलकर
तुम्हारी शक्ति के इस घमंड को चूर चूर कर देंगे। और हाँ, रानी परी क्या, परी के रूप में भी हम तुम्हें परीलोक में वापस नहीं आने देंगे। इतने बड़े बोल मत बोलो परियों, सजा मिलेगी, बहुत बुरी सजा मिलेगी। ठहरो परियों। भयंकर परी, हमें ललकारो मत। हम शांत इसलिए हैं क्योंकि हम शांति, प्यार और अच्छाई में विश्वास रखते हैं। वरना वरना क्या, ये प्यार, अच्छाई, भलाई, ये सारे कमजोर परियों के शब्द हैं, मेरे नहीं। तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि तुम सब मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए तुमने अपनी शक्तियां बालवीर को दे दी है ना। अगर इतना ही भरोसा है उस पर तो लाती क्यों नहीं मेरे सामने, करने दो मेरा मुकाबला। हाँ, हमने हमारी सारी शक्तियां बालवीर को दी है और सही समय पर बालवीर तुम्हारा मुकाबला भी करेगा और तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों की सजा भी देगा। सही समय भयंकर परी समय का नहीं, समय भयंकर परी का इंतजार करता है और मेरा सही समय आ गया है। बहुत छुपा लिया तुमने बालवीर को मुझसे, पर अब मैं उसका चेहरा देख चुकी हूं। ऐसा ही दिखता है ना वो, परी लोक में अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर दो रानी परी। अब मैं तुम्हें चुनौती देती हूं, बचा सकती हो तो बचा लो बालवीर को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।